एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो मैंने कल ये सब ऑर्डर किया था, वेजिटेबल्स और कुछ ग्रोसरी का सामान। तो यहाँ मैंने एवोकाडो भी ऑर्डर किया था और बहुत ही फ्रेश भिंडी, कोरिएंडर सब कुछ आया है। तो बस अभी मैं मॉर्निंग के जो सारे काम है वो कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो बर्तन है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई थी उनको मैं रिफ़िल कर रही हूँ यहाँ पर। और ये मेरा स्टेनलेस स्टील का मसाले का बॉक्स है, तो मैं इसमें इस तरह से टिश्यू लगा के रखती हूँ ताकि जो भी मसाले थोड़े बहुत गिरते हैं वो इसके ऊपर गिर जाते हैं और जो मेरा कंटेनर है उसके ऊपर कोई भी स्टेन नहीं आता है। तो बस मैं यहाँ पे भी इन सभी को रिफ़िल कर रही हूँ और अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर दूँगी। यहाँ पे मैं पीनट्स रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि चटनी और इसमें मुझे बहुत सारे पीनट्स लगते हैं, तो मैं पहले ही इस तरह से रोस्ट करके रख लेती हूँ तो फिर टाइम बच जाता है मेरा जब मैं चटनी वगैरह बनाती हूँ। और ये प्याज आए थे तो मैं इनको अच्छे से क्लीन करके रख रही हूँ, ऊपर की जो भी एक्स्ट्रा लेयर होती है वो मैं निकाल देती हूँ ताकि फिर बाद में ये मैसी ना हो। और ये यहाँ पर पीनट्स भी अच्छे से रोस्ट हो गए तो मैंने इनके छिलके रिमूव कर दिए और इनको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी, तो जब भी ज़रूरत होगी मैं ईजिली इनको यूज़ कर पाऊँगी। और मॉर्निंग में शावर लेने से पहले मैं घर की जो डस्टिंग और क्लीनिंग होती है वो डेली करती हूँ, तो इससे जो घर है वो अच्छे से क्लीन रहता है और टेबल और ये सब क्लीन रहती है। और बस मैं यहाँ पे शावर लेने से पहले ही झाड़ू पोछा अच्छे से कर देती हूँ घर का। ये मैंने अरोमा डिफ्यूज़र लगाया है तो इससे जो है घर में बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस हो जाती है। और अब यहाँ पे मैं लंच बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो लंच में आज मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और अब यहाँ पे मैंने एक पत्ता गोभी, एक आलू, टमाटर और दो तीन हरी मिर्चियाँ ली हैं, इन सबको अच्छे से वॉश कर लिया है। और पत्ता गोभी की जो ऊपर की लेयर होती है, तीन चार लेयर्स मैंने निकाल दिए हैं। और उसके बाद अब पत्ता गोभी को इस तरह से जूलियन स्टाइल में एकदम पतला पतला कट कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा सा एक टेक्स्चर ऐड होता है इस सब्ज़ी में। तो मैं बस इस तरह से कट कर लूँगी और फिर टमाटर को भी मैंने इस तरह से एकदम पतला पतला कट किया है और हरी मिर्ची कट कर लेंगे और आलू भी हम सेम इस तरह से ही कट करेंगे। तो सारी सब्ज़ियाँ इवनली जब कट होती है तो अच्छे से कुक होती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। और अब यहाँ पे आलू में मैंने पानी डाल दिया है, इससे इसका जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाएगा। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा अदरक और जो लहसुन है उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और एक कढ़ाई में अब हम तेल डाल देंगे और उसमें राई और जीरा डाल देंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे, तो ये वाली सब्ज़ी में हींग पाउडर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, हरी मिर्ची और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया है। सबको बस एक मिनट के लिए भून लेंगे और उसके बाद जो पत्ता गोभी है वो डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें जो आलू है वो डाल देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, तो अभी बस मैं यही डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, बाकी मसाले हम लास्ट में डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा नमक और फिर जो टमाटर है वो भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको ढक करके लो फ्लेम पर पकाएँगे, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको कुक करना है और बीच में चलाते रहना। और 10-15 मिनट में सब्ज़ी कुक हो जाती है।
और आलू अच्छे से कुक हो गए थे तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है, और फिर लास्ट में हरा धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पत्ता गोभी आलू टमाटर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो आप इस तरह से ये सब्ज़ी ज़रूर बनाना, और इसमें जो अदरक लहसुन का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है और काफ़ी टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी भी, तो आप ट्राई करके देखना। और बस यहाँ पे मैंने सलाद कट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी। और बस यही है आज के लंच में, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, बहुत सारा सलाद और कर्ड। तो जब भी मैं ड्राई सब्ज़ियाँ बनाती हूँ तो उसके साथ कर्ड रखती हूँ, काफ़ी टेस्टी लगता है। और यहाँ पे ये मिर्ची का अचार जिसकी रेसिपी मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की है, और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लंच है ये। और ये सनसेट है मेरी बालकनी से, तो बहुत ही सुंदर सनसेट हुआ है, और इस तरह से मुझे सनसेट देखना बहुत पसंद है। और अभी नाइट में मैं ये कुकीज़ बना रही हूँ, तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, और यहाँ पे आधा कटोरी मैंने पिसी हुई शक्कर, और फिर यहाँ पे काजू बादाम और पिस्ता मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिए हैं, थोड़ा सा इलायची का पाउडर, और ये और थोड़े से काजू बादाम मैंने कट कर लिए हैं। तो ये जो कुकीज़ है ये हम सूजी से बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है, और ये नॉर्मल सूजी है, इसको मैं थोड़ा सा पीस लूँगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है। तो मैंने इस तरह से इसको पीस लिया है, और अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और 2 चम्मच इसमें मैंने मैदा डाला है, तो एक कटोरी सूजी में आप 2 से 3 चम्मच मैदा डाल सकते हैं, और उसके बाद ये डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे, और फिर यहाँ पे पिसी हुई शक्कर डाल देंगे। तो शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने ये ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर रेडी किया था वो डाल दिया, और थोड़ा सा इलायची का पाउडर, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने 1 पिंच नमक डाला है, और 1 छोटी चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है, मतलब 2 से 3 पिंच सोडा डाला है। और उसके बाद यहाँ पे हम घी डाल देंगे, तो मैंने 2 चम्मच यहाँ घी डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो घी आपको मेल्ट करके नहीं डालना है, इसी तरह से डालना है, और अब इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा, और आप हाथ में इस तरह से इसकी मुट्ठी बना के देख सकते हैं कि ये किस तरह से इकट्ठा हो रहा है। तो बस इसी तरह से आपको इसको मिक्स करना है। और अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, तो दूध आपको बहुत गर्म नहीं लेना है, नॉर्मल जो गर्म होता है वैसा आपको दूध लेके इसको अच्छे से मिक्स करना है, और दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालना। 3-4 मिनट लगते हैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने में। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, और जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी आ गई है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से हाथ में चिपकने लगे, बस इतना ही आपको दूध डाल के इसका मिक्सचर बनाना है। और बस अब इसको हम ढक करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। और यहाँ पे मैंने ये माइक्रोवेव की एक जो प्लेट आती है वो ले ली है, और उसमें घी अच्छे से मैं स्प्रेड कर दूंगी। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो जो दाल बाटी बनाने का ओवन आता है आप उसमें भी ये कुकीज़ बना सकते हैं। और ये बहुत अच्छे से इसका रेस्ट हो गया है मिक्सचर का, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थिक हो गया है और अच्छे से मिक्स हो रहा है, और एक डो बन के रेडी हो रहा है। तो इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब इसके हम जो है कुकीज़ बना लेंगे। तो इस तरह से हाथ में आप थोड़ा घी लगा के और फिर इनकी कुकीज़ बना सकते हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें जो हमने काजू बादाम कट करके रखे थे वो लगा रही हूँ, तो इससे बहुत अच्छा लुक आ जाता है। तो सारी कुकीज़ को आपको इसी तरह से बनाना है। अगर आपका जो डो है कुकीज़ का वो अच्छा बनेगा तो कुकीज़ भी अच्छी बनेगी। तो इसीलिए आप मिल्क जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना, बट इन केस अगर वो डो बहुत पतला हो जाए या ठीक हो जाए तो बाद में आप दूध डाल के उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं, या तो फिर और थोड़ा रवा मिला सकते हैं अगर आपका डो पतला हो जाए तो। तो बस सारी कुकीज़ मैं इसी तरह से बना लूँगी। और मैंने माइक्रोवेव को प्री हीट कर लिया था 10-15 मिनट के लिए। तो अब बस मैं यहाँ पे ये कुकीज़ रख दूँगी, और 180 डिग्री कन्वेक्शन मोड पे मैं इसको रख रही हूँ 20 मिनट्स के लिए। और अगर आप इसको बाटी वाले ओवन में बनाएंगे तो आप इसको लो फ्लेम पे कुक करना, और सेम प्रोसेस से ही आपको इसको बनाना है। और जो प्लेट आप कोई सी भी प्लेट ले सकते हैं, उसमें घी लगा देना और फिर कुकीज़ रख देना, और लो फ्लेम पे
20 मिनट के लिए कुक कर लेना और बीच बीच में चेक करते रहना। और अब यहाँ पे जो कुकीज़ है वो रेडी हो गई है, तो मैं इनको निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, तो ये अच्छे से कुक हो गई है और अभी बहुत गर्म है तो इसको आप ठंडा होने देना। तो आप देख सकते हैं नीचे से भी इसका कलर आ गया है। और हस्बैंड को तो ये कुकीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है, काफ़ी टेस्टी बनी है ये। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को बड़ों को सबको अच्छी लगेगी। और घर की बनी है, सूजी से हमने बनाई है, तो बहुत टेस्टी है ये और इजीली बन जाती है। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।